प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्व सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम लक्ष्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भगवान भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को श्री कृष्ण स्वयं का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक संबंध से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है और ये सब परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार का तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूर्ण कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र का अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं।